بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब दोस्तों को एक मरतबा फिर यूट्यूब चैनल ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो PMA लॉन्ग कोर्स बैच 155 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा PMA लॉन्ग कोर्स बैच 155 का इनिशियल टेस्ट का आज का एक्सपीरियंस। कराची सेंटर से ये एक्सपीरियंस शेयर हुआ है, मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में शामिल है। पहले मैं आपको जेनेरिक किस्म की डिटेल बताऊंगा, उसके बाद आपको आज के इनिशियल एकेडमिक टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर बिला तातल जो है वो फ्राहम की जाती रहेंगी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। PMA लॉन्ग कोर्स बैच 155, इसमें हमारे चैनल से प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स अपीयर हुए और माशाल्लाह से उन्होंने पहला इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। उन्होंने तफसीलात शेयर करते हुए ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री की टीम के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि फर्स्ट टेस्ट जो इनिशियल एकेडमिक टेस्ट में आया उसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस थे और टोटल क्वेश्चंस 96 जो है वो आए थे और टाइम लिमिट 30 मिनट थी। 30 मिनट के अंदर अंदर आपने 96 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। जो बंदे क्वालिफाई कर जाते थे उनके लिए नेक्स्ट टेस्ट यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो अपीयर हो जाता था, बाकी वहीं से जो है वो लीव कर सकते थे, एग्जामिनेशन हॉल छोड़ जाते थे। तो फर्स्ट टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था, फिर जो ये क्वालिफाई कर जाते थे उनका सेकंड टेस्ट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का ओपन होता है, जो कि टोटल 86 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम लिमिट इसमें भी जो है वो 30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपने नॉन वर्बल के 86 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही है, जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए थर्ड टेस्ट जो है वो अपीयर होता है। थर्ड टेस्ट होता है एकेडमिक क्वेश्चंस का। एकेडमिक क्वेश्चंस की टोटल तादाद जो है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम लिमिट उसमें भी 30 मिनट का ही अवेलेबल होता है। यहां पर मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री में PMA लॉन्ग कोर्स बैच 155 के पास्ट पेपर्स की जो वीडियोस अपलोड की गई थी, तो आज के आने वाले पेपर में जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली उन्हीं वीडियोस में से आए हैं। तो मैंने उन दोस्तों से जो इन पेपर में जो इस इनिशियल टेस्ट में अपीयर हुए थे उनसे क्वेश्चंस कंपाइल करके आज की वीडियो में भी क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं। आपके लिए क्वेश्चंस अभी पेश खिदमत हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका एकेडमिक टेस्ट का था जो कराची सेंटर के इनिशियल टेस्ट में आया है। ये है जी, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस सिटी को बोला जाता है? तो ये आपके सामने इसका आंसर मौजूद है, फैसलाबाद। क्वेश्चन नंबर टू है वेयर इज द म्यूजियम ऑफ कायदे आजम? तो ये जी कराची में वाक़ है, आंसर आपके सामने है। सेकंड है जी OIC फाउंडेड, ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? तो सऊदी अरेबिया जो है ये इसकी लोकेशन थी। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, ये कुछ बीच में से जो है वो डार्क कर दिए गए हैं क्योंकि क्वेश्चंस की क्लैरिटी अवेलेबल नहीं थी। तो जो 100% हम श्योर थे कि जो क्वेश्चंस आए हैं वही आपके लिए पेश कर रहे हैं ताकि हमारे कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की पजलिंग का सामना ना हो। अगला सवाल आया था कि जी 5 boys राइट 5 pages इन 5 minutes, 1 boy हाउ मैनी टाइम्स इन 5 papers, 1 boy यानी कि कितनी देर में लिखेगा? इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक इसलिए हो सकती है कि तमाम कैंडिडेट्स ने जिन जिनको जो क्वेश्चंस याद थे उन्होंने खुद हमें ओरली बताए हैं और वो जल्दी में इस तरह से विदाउट प्रॉपर ग्रामर के हैं। बार के क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि एक बच्चा अगर 5 pages 5 minutes में लिखता है तो एक बच्चा 5 papers कितनी देर में लिखेगा? तो ये जी 5 minutes इसका टाइम है। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे वाक़ है? तो ये इस्लामाबाद में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के पेपर में आया था वो है आपके सामने, इन 500 स्टूडेंट्स 340 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो ये आपने परसेंटेज सिंपल कैलकुलेट करनी है, 68% आएगी। नेक्स्ट है जी अली इज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ, देन ही टेक्स लेफ्ट, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टेक्स राइट डायरेक्शन, ही नाउ इज इन विच डायरेक्शन? तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर है आपका नॉर्थ।
अगला सवाल है जी, इफ माई ब्रदर सिस्टर इज योअर मदर, हु आई एम टू यू, तो इसमें रिलेशन जो बनता है ये अंकल का बनता है। अगला सवाल है कि जी, अ मैन बॉट अ पेन ऑफ 30 रुपीज एंड सोल्ड इन 40 रुपीज, फाइंड इट्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की रेशियो जो है ये 33% बनेगी। नेक्स्ट है जी कि विच वर्ड कम्स आफ्टर, ये बेसिकली था एल एम एन, तो एल एम एन जो सीरीज है इसके बाद अगला सवाल कौन सा, अगला सीक्वेंस कौन सा आता है, तो इसमें आंसर जो है वो ओ आर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डिफरेंट, तो ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें जो डिफरेंट चीज क्या थी, हेक्सागोन है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इसमें से बाकी ऑल क्लोज शेप्स हैं, एंगल एक डिफरेंट चीज है, तो इसमें एंगल डिफरेंट था। नेक्स्ट है जी, इफ ट्रेन स्पीड इज डबल देन अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स, तो इसका आंसर है जी 60 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो लार्जेस्ट रिवर जो है ये इंडस रिवर है पाकिस्तान का, दरिया सिंध भी कहलाता है। हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो ये कैलिफोर्निया में यूएसए में डेथ वैली के नाम से जगह वाकई है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, तो ये कैनबरा है। तुर्की का कैपिटल अनकरा है। ओआईसी के मेंबर्स की तादाद जो है वो 7 है। नेक्स्ट है जी, फाउंडर ऑफ यूएनओ, तो ये फ्रैंकलिन साहब जो है ये इसके फाउंडर हैं। क्वार्टर ऑफ 1/10 of 120 ये 3 है। 1/3 of 1/10 of 90 ये भी 3 है। यहां पर दोस्तों को मैं बताता चलूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन जो कराची सेंटर के पीएमए 155 के हैं, ये आपके सामने मैं रीड आउट कर रहा हूं। इनकी तफसीली वीडियोस ऑलरेडी ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उसमें से ही ये जो कोइंसिडेंटली और लकीली ये क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि कई सालों से आने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आगे है जी क्वेश्चन 24, इन विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से ग्रेट बड़ा कौन सा डिजिट कहलाता है, -15 और -20, यानी आपके सामने अगर -15 और -20 है तो आपने बताना है कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आप पता है कि इन रियल जो है नेगेटिव में जो वैल्यू बजाय जितनी बड़ी नजर आ रही होती है उतनी ही छोटी होती है, तो इसमें से आपका आंसर जो है -15। सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली टोटल जो है 342 हैं। व्हाट डिड मंथ ऑफ, अच्छा 31st, 31 दिन के एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो ये टोटल 7 महीने होते हैं। 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेट करता है, तो ये इंडिपेंडेंस डे है। ये 23 मार्च जो है ये पाकिस्तान डे है, इंडिपेंडेंस डे नहीं है, ये योम ए पाकिस्तान है। इंडिपेंडेंस डे आपका 14 अगस्त है, तो ये पाकिस्तान डे है, क्योंकि करारदाद पेश हुई थी तो ये पाकिस्तान डे के नाम से मशहूर है। खैबर पास कनेक्ट्स पेशावर विद काबुल आएगा। पाक एंड चाइना बॉर्डर जो एग्रीमेंट है ये 1963 में हुआ था। वाई द ज़ियारत आर फेमस, तो ज़ियारत जो है ये क्यों फेमस है, ये कायदे आज़म रेजिडेंसी वहां पे मौजूद है जिसकी वजह से ये मशहूर है, क्योंकि कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम वहां पर बसर किए थे। नेक्स्ट है जी, बैट सी एंड स्नेक हियर, यानी ये रिलेशन आपने शो करना है। अगला सवाल है जी, लास्ट एम्पायर रूलर ऑफ इंडिया, तो ये बहादुर शाह जफर साहब थे। नेक्स्ट है 2 + 2 / 2 क्या आता है, तो आंसर आपके सामने 3 है। ये आपने खुद कैलकुलेट भी कर लेना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान जो है ये मंचर लेक है, मंचर झील भी कहते हैं इसको। लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर जो है ये हाइड्रो पावर है, पानी से पैदा की जाने वाली बिजली जो है वो सबसे बड़ा जरिया है पावर हासिल करने का। टेन्योर ऑफ प्रोफेशनल एंड नेशनल असेंबली जो है कितना होता है, तो ये टोटल 5 ईयर्स होता है। मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान पंजाब है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इन विच सिटी, तो ये इस्लामाबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है जी, इनमें से डिफरेंट बताना है ऑल सिटीज में से, तो रावलपिंडी डिफरेंट है, बाकी ऑल 4 ऑप्शन जो है प्रोविंसेस के
दारुल खिलाफे हैं, रावलपिंडी दारुल खिलाफा नहीं है। वाई चिल्ड्रन सेंट टू स्कूल, जो पढ़ाया जाता है वो सेल्फ ग्रूमिंग के लिए पढ़ाया जाता है। दूध को क्यों उबाला जाता है, तो ये टू किल जर्म्स। नेक्स्ट है जी रेड स्पॉट इन डैश, ये रेड स्पॉट जो है किस सियारे में है, तो जुपिटर के अंदर है। हाउ मेनी प्लैनेट्स साइड्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म में कितने प्लैनेट्स होते हैं, तो टोटल 6 प्लैनेट्स होते हैं। पाषाण मायदा जो है वो साइन किन दो ममालिक के बीच में हुआ था, तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान हुआ था 1965 की वार के फौरन बाद। तो दोस्तों ये आज के टेस्ट में, कराची सेंटर में इनिशियल टेस्ट में आने वाले तमाम के तमाम एकेडमिक क्वेश्चंस हैं। ये सारे दोस्त अच्छी तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, और मज़ीद तफसीली वीडियोस देखने के लिए आप ग्लोबल नॉलेज फैक्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर प्रीम में लॉन्ग कोर्स के नाम से फोल्डर है, उसमें ये तमाम वीडियोज मौजूद हैं, वहाँ से आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुँच सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग and wait for the next video.